आदरणीय राणा जी से, त्रिवेणी जी से अनुरोध करूंगा सहयोग के लिए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो कार्यक्रम का मुख्य मोटो है देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण। इसके अंतर्गत हम लोग निबंध प्रतियोगिता, ड्राइंग, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, चूंकि ये कार्यक्रम अभी हेरिटेज की बात पर है, मैं आदरणीय एमपी मैडम को पूछ पकड़ा दे रही है। अमृत महोत्सव आज समस्त भारत में 75 स्थानों पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उद्घाटन के पश्चात मनाया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 15 ऐसे स्मारकों का चयन किया गया है जिनके स्थान पर इस भव्य आयोजन का समायोजन किया जा रहा है। उसमें से ये अपना राष्ट्रीय स्मारक दीपमान है। मैं सर्वप्रथम परम आदरणीय माननीय भरतपुर के सांसद महोदया रंजीत कौल जी का परम अपने सभी साथियों के साथ इस महल परिसर में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। भूतपूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के जद्दावर विधायक रहे हमारे जवाहर सिंह मैडम जी, यहाँ मैं उनका भी तहे दिल से इस परिसर में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे युवा के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रवीण सिंह जी हम लोगों को कल परसों से ही लेकर के इस आयोजन को सफल बनाने में उपस्थित हैं। मैं अधीक्षक पुरातत्व महोदय प्रवीण सिंह जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्वागत है समस्त उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया और ये अपना आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। मैं स्वागत करता हूँ प्यारे छात्र छात्राओं का एवं गुरुजन बिंदु का। माता की और जोर से महलों से आगे आवाज जाए और बाहर पता लगे लोगों को कोई कार्यक्रम आज हो रहा है। भारत माता की ये पार्षद क्यों नहीं बोल रहे? धन्यवाद। आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय रंजीता कोहली जी, हमारे पुरातत्व विभाग के जयपुर से पधारे अधिकारी आदरणीय प्रदीप जी, हमारे नेहरू युवा केंद्र के भरतपुर के जो समन्वयक हैं आदरणीय सुनील राणा जी, यहाँ के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भाई भगोरा जी और सभी दायित्ववान अधिकारी और कर्मचारी बंधुओं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री भाई भगवान दास जी, शहर मंडल के अध्यक्ष भाई अनिल जी, हमारे पार्षदगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इसका संचालन कर रहे भाई जगदीश जी ठाकुर साहब, सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जिन महापुरुषों की आंदोलन और उनके बलिदान के बाद इस देश को आजादी मिली और आप और हम उनके बलिदान और संघर्ष के कारण आज स्वतंत्र भारत में अपना जीवन जी रहे हैं या जन्म ले रहे हैं, ऐसे अवसर पर
आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन महापुरुषों के चरणों में मेरी श्रद्धांजलि। बड़ा सौभाग्य है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, और हमें सौभाग्य इसलिए है कि जिन 75 जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो हेरिटेज वॉक के हों, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता के हों, चाहे भाषण प्रतियोगिता के हों, चाहे निबंध लेखन के हों, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, उन 75 स्थानों में से एक किसी स्थान का चयन किया गया है तो वो हमारी ऐतिहासिक नगरी डीग है, और हम साधुवाद और आभार व्यक्त करेंगे भारत सरकार का कि उन्होंने हमारे इस स्थान को चुना और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यालयों के छात्र, विभिन्न विभागों के लोगों को आमंत्रित करके इस पुनीत कार्य में सहयोगी बनाने का काम किया, और मेरे जैसे नदने से छोटे से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी इसमें बुला करके जो सम्मान दिया और जो हमारा भाषण देने के लिए मुझे बुलाया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। दोस्तों, सांसद महोदय, ले भैया साउंड में आ गया। राम राम सर। भारत माता की मेरी बाल धीरे बोल रहे हो ना, जोर से बोलो भाई, भारत माता की। लखपत गुजर जी, अरुण प्रधान जी, जिला महामंत्री अनिल गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष राजनाथ जी, भाजपा नेता अर्चना राणा जी, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा मदर्श अली संरक्षण, और सभी मेरे कार्यकर्ता भाइयों और सभी पार्षद, सभी छोटे छोटे बच्चे, युवा शक्ति, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपका जितना कीमती समय था आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री भारत के, जो कि इस प्रोग्राम का शुभारंभ भी किया और हमारे बीच में इसको चलाया, और हमारे खेल मंत्री रिजू जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 75वें जगहों पे ये प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारा भरतपुर इसमें चयन किया गया था और डीग से यहाँ शुभारंभ हो रहा है। भरतपुर जिला जो कि राजस्थान में, इसको चयन किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद में सामरवती के यहाँ से, जो कि हरी झंडी दिखा करके ये प्रोग्राम शुभारंभ कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से खेल मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो ये केंद्र, युवा केंद्र के जो प्रोग्राम चलाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।